सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द अपसेप्टर 21। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट मोटो ब्लॉग, पहला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपने कैमरा से। सो पता नहीं क्या होगा। तो भाई लोग, अगर फर्स्ट वीडियो है और चैनल भी नया नया है तो बस देख लीजिएगा। सो गाइस, एक्चुअली आज मैं फर्स्ट वीडियो शूट करने के लिए घर से निकला था, तो निकलते ही एक बैड लक ये हो गया कि जो बाइक का पीछे वाला चक्का था ये पंक्चर था। इसके ना चक्के में एक गिट्टी की तरह कुछ लगा हुआ था, तो जैसे मैं घर से निकाला तो स्टैंड पर से उतरने के बाद ही फील हो गया कि लगता है ये पंक्चर है। तो घर से निकले 2 किलोमीटर तो यहाँ पर बनवा रहा था, तो इसका एक छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्डिंग किया था, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इसको आप देख लीजिए। और तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ट्यूबलेस है, तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ कुछ शूट करने के लिए, कोई वीडियो वीडियो शूट हो जाए अच्छा बढ़िया, ताकि ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है मैं अपलोड कर सकूँ अपने चैनल पे। और चैनल भी न्यू है और मैं तो बिल्कुल हूँ ही नहीं हूँ। एक्चुअली नया नया कैमरा लिया हूँ मैं, GoPro Hero 9 का, और आप लोग जानते हैं GoPro Hero 9 का जो क्वालिटी है किस तरह का रहता है। देर इज़ नो कंपेरिजन इन क्वालिटी ऑफ GoPro। तो एक अच्छा खासा पैसा लगा के मैंने चैनल के लिए जो भी सेटअप चाहिए, एसेसरीज़, कैमरा, इसका जो मीडिया मोड आता है GoPro का, मीडिया मोड रहेगा तभी आप इसमें माइक वाइक लगा सकते हैं आवाज़ रिकॉर्डिंग ये सब करने के लिए। सो ये चीज़ सारा चीज़ सेटअप लेके मेरे को काफ़ी, मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छा पैसा लग चुका है इसमें। जैसे मैंने ये पैसा, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को देख के या फिर कहीं से, मतलब देखिए, एक तो मेरे को बाइक का बहुत काफ़ी पहले से शौक था, और मेरे से एक गलती ये हो गया था कि मैंने कभी, मतलब 2015 से ही, मैंने जब R15 Version 2 आया था ना, तब से ही मैं वो बाइक 2015 में मैंने लिया था सेकंड हैंड R15 Version 2। तो उसको मैंने 4 साल यूज़ किया, बहुत अच्छा, उस पर तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता था। उस टाइम बाइक का इतना क्रेज़ नहीं था ना 2015 से, तो कहीं पे भी जाते थे तो लोग ज़रूर देखते थे। और फिलहाल अभी तो मार्केट में बहुत सारा गाड़ी आ गया, अभी तो Version 2 क्या Version 4 भी आ गया, देखिए बात कर रहे थे लगा हुआ था यहाँ पे रोड पे। सो होगा, इस बात कर रहे थे जैसे कि बाइक्स का, तो एक चीज और, सो अभी जो भी आप मेरा वीडियो देखेंगे चैनल पे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा या फिर शॉर्ट्स वीडियो भी मैं काफी अपलोड करते रहता हूँ, दिन में 3-4 शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करता हूँ मैं। सो और वीडियो तो मैं बनाते ही रहूंगा, क्योंकि कैमरा हो ही गया है तो कोई दिक्कत है नहीं, और क्वालिटी तो आते ही है GoPro का, तो इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए कोई चीज। लेकिन मैंने जैसे ही आज घर से निकला सोचा था कि फर्स्ट वीडियो शूट करूंगा आज एकदम बढ़िया से, घर से जैसे ही बाइक मतलब निकालूंगा उस टाइम बैठते ही शुरू कर दूंगा। बट जैसे मैंने स्टैंड से अपना बाइक उतारा तो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे लग रहा था कि एकदम भारी भारी हो गया गाड़ी। तो जैसे ही नज़र मैंने दिया अपने पिछले टायर पे, तो देख रहा हूँ कि एकदम ये तो बैठा हुआ है यार। इसने चेक किया खुद से घर पे, तो देखा कि उसमें एक छोटा सा गिट्टी गड़ा हुआ था, तो फिर वही कैसे भी धीरे धीरे करके लाया हूँ वहाँ पर दुकान पर, वहाँ बनाए, और देखिए अभी एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, मज़ा आ रहा है अभी गाड़ी चला के। तो मोटो ब्लॉग के लिए सारा इक्विपमेंट ज़रूरी है, इक्विपमेंट के साथ साथ आपको अपना सेफ्टी के लिए भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तो हेलमेट तो है ही,
और उससे भी ज़्यादा चीज़ ग्लव्स, शूज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मोटर ब्लॉक राइडिंग कर रहे हैं, तो ये सब तीन चार चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसा मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हाँ मतलब मैं मार्केट में जा रहा हूँ या फिर कहीं पे, बस ऐसे ही निकल चुका हूँ एक वीडियो शूट करने के लिए। बड़ी खुशी भी है अंदर से कि पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरनल जो बोलते हैं ना, इंटरनली भी काफ़ी बढ़िया एक अच्छी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहा हूँ। सो अभी तो पर्व त्यौहार का भी मौसम है, छठ पूजा चल रहा है, तो इसके लिए भी काफ़ी रोड बिजी है। ये सब पर्व ये सब ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा सिटी में जाके राइड करके उधर। यहाँ पे तीन चार जो ऐसा मोड़ है ना एकदम कर्व्ड, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है, ये पूरे एरिया में ना यहीं पे बहुत अच्छा मूड है। अरे यार एकदम लीन होना पड़ता है यहाँ पे, देख लीजिए अजीब यार, मतलब उधर देख रहा है इधर मुड़ रहा है। NH का रोड होके इस तरह से मतलब गांव वाली, अरे भाई ये ऑटो वाला कहीं पे नहीं सुधर सकते हैं, सिटी में तो मतलब इनसे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता यार, कब किधर मुड़ा देगा कोई ठीक नहीं है। इन्हीं लोग की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट ये सब होता है। सो गाइस बड़ा अच्छा लग रहा है कैमरा लगा के इस तरह से चलना रोड पे, मतलब जो भी देख रहा है ना तो मतलब देख रहा है यहाँ क्या लगा रखा है भाई इसने, और ग्लव्स ये सब है तो और एकदम मतलब क्या ही बोले लोग समझे एकदम राइडर ही है। छठ पूजा है ना इसलिए पूरा सजा हुआ है पीछे। अभी बाइक को भगा भी नहीं सकते इतना देख रहे हैं इधर रोड पे, पकड़ी है तो कहीं आदमी आ रहा है। एक हाई फाई वीडियो बनाऊंगा एक दो वीडियो आने के बाद ही उसको शूट करूंगा, क्योंकि इधर इतना मतलब बहुत डेंजरस है, हो सकता है मैं 110 इधर चला सकूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता हूँ इधर, और कब कौन आ जाए रोड पे कुछ ठीक नहीं है। सो एक छोटा सा बस एक वीडियो ये बनाऊँगा, और अंदर से मेरे को हंसी भी है, हंसी नहीं मतलब मज़ा आ रहा है, हंसी तो चेहरा पे है नहीं। अरे भाई देखिए मंदिर किस तरह से सजा हुआ, चंदा इकट्ठा कर रहा है गाड़ी रुकवा रुकवा के रोड पे पीछे उस जगह पे।
देख रहे हो भाई लोग कितना एकदम मतलब इतना ट्रक लगा हुआ है, सब आधा चक्का रोड पे ही है सबका। ये भगवान हट जाए याद है, बेचारे का हालत खराब है एकदम, जख्म हो गया था उसके पीठ पे। यहाँ पे भी एक सूर्य मंदिर है, यहाँ पे भी छठ वठ होता है, बढ़िया से मनाया जाता है। आप लोग से बात करते करते मैं यहाँ पे जो अपना इधर पे टाउन है बाजार में पहुँच भी गया हूँ। माई फर्स्ट मोटो ब्लॉग यही टाइटल होगा, इस ये जो वीडियो अपलोड करूँगा इसका यही टाइटल मैं रखूँगा। चलते चलते देखिए टाइटल भी आने लगा है माइंड में कि क्या इस वीडियो को मैं टाइटल रखने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा बाइक से सबका मार्केट में भीड़ रहेगा, पर्व है ना कल परसों मेन एकदम, जो अपना बिहार का सबसे मेन पर्व होता है छठ मैया का। सभी लोग पीछे रह गए, मैं निकल गया यहाँ पे 220F। जय भगवान जी। बालू था चक्का यहाँ पे स्किट कर रहा था। ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे इधर, और लोग बोलते रहेंगे आ रहा है। क्या करूं, लोगों का बोलने का काम है, मैं अपना काम करूंगा। बुम 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 बुम, सेम एग्जॉस्ट है जो स्टॉक आता है वही, अभी तक चेंज नहीं किया हूँ, 2 साल हो गए बाइक का। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, मैं चेंज कर लूँगा।
500 सब्सक्राइबर अगर भाई लोग करवा दीजिएगा तो आई विल डेफिनेटली चेंज माय एग्जॉस्ट, और काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट लगाऊंगा जो आवाज़ एकदम बढ़िया करे, ऐसे कोई नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, जय हिंद।